क्या आपको पता है कि हम फिल्मोरा में बहुत ही इजी वे में एक ग्लिच इफेक्ट को ऐड कर सकते हैं, उसे एक प्रोफेशनल लुक दे सकते हैं। जी हाँ, आज की इस वीडियो में आपके साथ बात करूंगा कि किस तरह से आप फिल्मोरा में एक ग्लिच इफेक्ट को जोन से ऐड कर सकते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक डेमो वीडियो दिखा देता हूँ, शॉर्ट सी, जिससे आपको थोड़ा सा आइडिया हो जाए कि एट दी एंड हम बनाने क्या जा रहे हैं। तो जी हाँ, जैसा कि आपने देखा कि हम इस तरह के ग्लिच इफेक्ट बनाएंगे, इस वीडियो में मैं कोशिश करूंगा कि थोड़ा सा डिफरेंट रखूं जो अभी मैं बनाने जा रहा हूं, जिसको आप देख रहे हैं, ताकि आपके नॉलेज में थोड़ा सा और इजाफा हो सके। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, लेट्स बिगिन विद द वीडियो। 1 2 3 4 5 6 7 हाय गाइस, आई एम अजी संधू फ्रॉम डिजिटल स्पाइडर्स, और आज हम बात करेंगे कि किस तरह से इजी वे में हम ग्लिच इफेक्ट को ऐड कर सकते हैं अपने फिल्मोरा के अंदर। बहुत ही सिंपल और इजी वे में मैं आपको बताऊंगा, ताकि हम नॉन प्रोफेशनल बंदा जिसे इतना ज़्यादा नहीं पता फिल्मोरा को, वो भी इजी वे में इसको ऐड कर सके। कोई इतना मुश्किल नहीं, कोई रॉकेट साइंस नहीं, जस्ट 3 to 4 इफेक्ट्स हैं जिसके थ्रू आप इजीली जो है ग्लिच इफेक्ट को ऐड कर सकते हैं अपनी वीडियोज़ के अंदर। तो सबसे पहले आपको क्या चाहिए, आपको एक टाइटल चाहिए, अगर तो आपके पास ऑलरेडी बना पड़ा है तब भी ठीक है, अगर आपके पास नहीं है तो आप न्यूली एक जोन सा क्रिएट कर सकते हैं, और यहाँ से आपको जो टाइटल अच्छा लगता है आप उसे सिंपली ड्रैग एंड ड्रॉप कर लें अपनी टाइमलाइन के ऊपर। देन उसके बाद मैं 3 सेकंड का जस्ट टाइटल रखूँगा, उसके अबव जो है अपना टाइटल बचा मैं उसे ड्रिल कर दूँगा, जस्ट मुझे 3 सेकंड का जोन सा टाइटल चाहिए। देन उसके बाद मैं डबल क्लिक करूँगा अपने टाइटल के ऊपर, अपना जो मैंने टाइमलाइन के ऊपर ड्रैग एंड ड्रॉप किया, देन सिंपली मैं एडवांस की ऑप्शंस में चला जाऊँगा। यहाँ पे सबसे पहले मैं क्या करूँगा, अपने टाइटल जो भी मैंने ऐड करना है मैं उसे ऐड कर लेता हूँ। मैं इस वीडियो के लिए सिंपली जो है संडे को ऐड कर लेता हूँ। देन उसके बाद आपने क्या करना है, आपने इसको मिडल में जो है एडजस्ट कर लेना अपने टाइटल को, और उसके बाद आपने अपना फॉन्ट जो भी आपको अच्छा लगता है आपने वो ऐड कर लेना है, और देन इसके बाद मैं इसका साइज जो है इंक्रीज कर देता हूँ, इसे 125 के ऊपर रख देता हूँ जस्ट सिंपली। इसके बाद आपने क्या करना है, आपने सिंपली क्या करना है, एनिमेशन पे चले जाना, नो एनिमेशन को सिलेक्ट कर लेना, अगर आपके टाइटल में अगर कोई एनिमेशन अगर सेलेक्ट हुई होगी तो उसे आपने नो पे लेके ओके कर देना है। देन उसके बाद आपने क्या करना है, आपने फर्स्ट लेयर जो आपने क्रिएट की आपने इसे लॉक कर लेना है। देन इसके बाद आपने क्या करना है, आपने अपने टाइटल को कॉपी कर लेना है, और आपने जो अपना फर्स्ट लेयर आपने इसे लॉक कर लेना है, और आपने सिंपली अपने टाइटल को पेस्ट कर देना है। अब आपको सिंपली क्या करना है, आपने फर्स्ट वाले जो आपकी लेयर है आपने उसको डबल क्लिक कर लेना है, इसमें आपने एडवांस की ऑप्शंस में आ जाना है, और यहाँ पे आपने अपने टाइटल का कलर चेंज कर लेना है। आपने जस्ट सिंपली कलर के ऊपर ब्लैक चेक करना है, और ब्लैक कलर जो है सेलेक्ट कर देने के बाद आपने सिंपली ओके कर देना है। यहाँ से मैं क्या करूँगा, अपनी वीडियो को 2 सेकंड्स पे जो है कट कर लूँगा, क्योंकि मैंने इफेक्ट जो है अपना उसे जस्ट 2 सेकंड्स के लिए रखना है। अब यह आप पे डिपेंड करता है कि आप किस लेवल पे उसे लेके जा रहे हैं, कितनी ड्यूरेशन के लिए आपको वो चाहिए। अब मैं क्या करूँगा, सिंपली एक मुझे लास्ट है यहाँ पे एक स्टेप ऐड करना है, यहाँ पे मैं एक ट्रांजेक्शन जो है ऐड करूँगा अपने फर्स्ट वाले जो कि मैंने टाइटल, सेकंड वाला जो कॉपी पेस्ट किया है उसे सिंपली क्लिक करूँगा, और यहाँ पे ट्रांजेक्शन के अंदर आके मुझे सिंपली डिपॉजिट की जो ट्रांजेक्शन है मैंने उसे सेलेक्ट कर लेना। आपने सिंपली रिसर्च बॉक्स में इसे टाइप कर लेना और आपके सामने ये आ जाएगी। आपने सिंपली क्या करना है, आपने सेकंड अपना जो टाइटल है जो आपने कॉपी पेस्ट किया आपने इसके ऊपर इसे ड्रैग एंड ड्रॉप कर लेना है, और सिंपली से एडजस्ट कर लेना अपनी फुल टाइटल के साथ। जस्ट इतना सा काम है, ये हमारी वीडियो का फर्स्ट स्टेप है। मैं आपको एक दफ़ा प्ले करके दिखाता हूँ, आपको आइडिया हो जाएगा हमने चीज़ क्या बनाई है। जी हाँ, आप देख सकते हैं कि हमने चीज़ जो सी बनाई है वो भी सिंपली सी जस्ट इतनी सी है। अब मैं क्या करूँगा, सिंपली से एक्सपोर्ट कर लूँगा, और आपने इसका फ्रेम रेट जो है वो 30 के ऊपर एडजस्ट करना है। सिंपली आपने एक्सपोर्ट के बटन के ऊपर क्लिक कर देना, देन सिंपली आपने इसको क्लोज कर देना, और जो आपने टाइटल अभी आपने वीडियो क्रिएट कर लिया अपने टाइटल की उसे इंपोर्ट कर लेना है अगेन अपने फिल्मोरा के अंदर। सिंपली मैं क्या करूँगा, मीडिया के पोर्शन में आके राइट क्लिक करके इंपोर्ट के बटन के ऊपर क्लिक करूँगा, जो मैंने टाइटल क्रिएट किया मैं उसे अगेन जो है अपने टाइमलाइन अपनी मीडिया बार में जो है इंपोर्ट कर लूँगा, और सिंपली जो मैंने ऑलरेडी क्रिएट किया हुआ मैं उसे डिलीट कर दूंगा। और इसके लिए अब यहाँ से आपके थोड़ा सा काम स्टार्ट होता है। यहाँ पे सबसे पहले तो आपने अपनी वीडियो, जिस वीडियो के अंदर आप इस इफेक्ट को शो करवाना चाह रहे हैं, आपने सबसे पहले उसे ड्रैग एंड ड्रॉप कर लेना अपनी टाइमलाइन के ऊपर। मैंने ऑलरेडी एक वीडियो डेमो वीडियो रखी हुई है, मैं उसे ड्रैग एंड ड्रॉप कर लेता हूँ। देन उसके बाद आपने इसके ऊपर अपने टाइटल को जो है ड्रैग एंड ड्रॉप कर लेना, और आपने अपने वीडियो के साथ जहाँ पे आपकी वीडियो जो सी है आपके टाइटल के साथ आपने अपनी वीडियो को मैच कर लेना, जो एक्स्ट्रा पार्ट है आपकी वीडियो को आपने उसे डेल कर देना है। अब सिंपली क्या करना है, आपने अपने टाइटल के ऊपर क्लिक कर लेना, जो टाइटल हमने क्रिएट किया सिंपली डबल क्लिक इसके ऊपर करना है, ये आपके सामने एक विंडो ओपन हो जाएगी। यहाँ पे आपने कंपोजिटिंग के ऑप्शन में चले जाना है, यहाँ पे आपको ये सेकंड वाली जो आपको नज़र आ रही है यहाँ पे आपने ब्लेंडिंग मोड के ऊपर चले जाना है, और यहाँ पे आपने सिंपली क्या करना है, आपने लाइटनिंग की जो ऑप्शन है आपने उसे सेलेक्ट कर लेना, जस्ट सिंपली इतना सा काम है, और इसके बाद आपने ओके कर देना है।
तो अब सबसे पहले हम क्या करेंगे, अपनी वीडियो को जो है कट कर लेंगे, कुछ स्पेसिफिक पार्ट्स अपनी वीडियो के कट कर लेंगे जहाँ पे हम कहते हैं कि हमारा जो है इफेक्ट है वो प्रॉपरली शो और वहाँ पे उसका साउंड भी शो। तो सबसे पहले मैं क्या करूँगा, 2 सेकंड्स के ऊपर आके अपनी वीडियो को कट कर लूँगा, अपने टाइटल को, जस्ट जो मैंने टाइटल क्रिएट किया हुआ है। देन इसके बाद मैं इसे 110 पे ला के जो है इसे थोड़ा सा कट कर लूँगा, और देन इसके बाद 120 के ऊपर, 125 के ऊपर जो है मैं इसे ला के कट कर लूँगा। अब आप देख सकते हैं कि मेरे पास मेरे टाइटल के 4 डिफरेंट पार्ट्स बन चुके हैं। तो मैं अब सबसे पहले क्या करूँगा, इफेक्ट्स के अंदर चला जाऊँगा। इफेक्ट्स के अंदर मैंने शेक्स की ऑप्शन में जाना है। शेक के ऑप्शन में मैंने सिंपली क्या करना है, साइड वेव्स जो है सेकंड जो आपके सामने ये नज़र आ रहा है आपको, आपने सिंपली अपने फर्स्ट जो आपने कट किया इसके ऊपर, देन सेकंड पार्ट के ऊपर, और देन उसके बाद थर्ड पार्ट के ऊपर आपने इसे ड्रैग एंड ड्रॉप कर लेना है। इसके बाद आपका जो बाकी पार्ट पड़ा है आपने उसके ऊपर क्लिक नहीं करना, आप जस्ट सिंपली आपने क्या करना है, डिस्टॉर्शन के ऑप्शन में चले जाना है, ये आपको साइड बार के आपके इफेक्ट्स के अंदर ही आपको नज़र आ जाएगा। डिस्टॉर्शन के ऑप्शन में आपने यहाँ पर क्रोमेटिक ऑब्जर्वेशन के ऊपर आना है, आपने सिंपली से अपने सेकंड पार्ट के ऊपर जो है ड्रैग एंड ड्रॉप कर लेना है। इसके अलावा यहाँ पर ये डिफरेंट इफेक्ट्स हैं, आप इन्हें भी ट्राई कर सकते हैं जो आपको अच्छे लगते हैं। मैं अभी क्या करूँ, एक सेकंड इफेक्ट जो है और फ्लिप, जिसे सिंपली अगेन अपने सेकंड पार्ट के ऊपर जो है मैं ड्रैग एंड ड्रॉप कर लूँगा। अब आप देख सकते हैं कि ये किस तरह से नज़र आ रहा है, थोड़ा सा ये चेंज हो चुका है। तो अभी जो मैंने इफेक्ट ऐड किया क्रोमेटिक का, अब मैं क्या करूँगा, थोड़ा सा इसे चेंजिंग कर लूँगा। इसके लिए मैं अपने सेकंड पार्ट जो अपने टाइटल का, इसके ऊपर डबल क्लिक करूँगा। देन इसके बाद यहाँ पे वीडियो इफेक्ट्स में आ जाना है। यहाँ पे आप देख सकते हैं जो जो आपने इफेक्ट आप अपनी वीडियो के ऊपर ऐड करते हैं वो आपके यहाँ पे आ जाते हैं। मैंने इस पार्ट के ऊपर ये 3 इफेक्ट जो है साइड वेव्स का, क्रोमेटिक और फ्लिप का जो ऐड किए हैं वो मेरे सामने आ चुके हैं। मैं सिंपली क्या करूँगा, क्रोमेटिक के ऊपर आ जाऊँगा और यहाँ पे इसका फीड जो है थोड़ा सा कम कर दूँगा। बाई डिफ़ॉल्ट ये 1% है, मैं क्या करूँगा इसे 30% के राउंड अबाउट या 50% के राउंड अबाउट जो है 40 पे लेके आ जाता हूँ। 50 पे आई थिंक ओके है, 50 पे लाग मैं सिंपली ओके कर देता हूँ। अब मैंने अगेन क्या करना है, क्रोमेटिक का जो इफेक्ट है मैंने अपने थर्ड पार्ट जो मैंने कट किया, मैंने सिंपली इसके ऊपर इसे ड्रैग एंड ड्रॉप कर लेना है। जस्ट ये आप समझ लें कि हमारा काम जो है डन हो चुका है। अब जहाँ पे एक छोटा सा लास्ट हमने काम करना है, मैंने क्या करना है, सिंपली ओवरले के अंदर मुझे फ्रेम्स नज़र आ रहे हैं, मैं सिंपली फ्रेम्स के अंदर चला जाऊंगा। यहाँ पे ये डिफरेंट फ्रेम्स हैं, आप यहाँ पे जो आपको अच्छा लगता है आप उसे ऐड कर सकते हैं। मैं जो मुझे अच्छा लगता है, आई थिंक मैं उसे सिनेमा 21.9 जो है इसे मैं सिंपली ड्रैग एंड ड्रॉप कर लूँगा अपनी टाइमलाइन के ऊपर, ताकि थोड़ा सा इफेक्ट जो है अच्छा हो सके। इसके बाद आपका टोटली काम जो है रेडी हो चुका है। यहाँ पे आपने ये क्या करना है, आपने अपनी वीडियो का कलर जो है आप उसे चेंज कर सकते हैं, ताकि वो थोड़ा सा और जो है सिनेमा लुक आपको प्रोवाइड कर सके। तो मैं सिंपली क्या करूँगा, अपनी वीडियो के ऊपर राइट क्लिक करूँगा और यहाँ पे कलर करेक्शन के अंदर आ जाऊँगा। यहाँ पे आप इसे मैन्युअली भी एडजस्ट कर सकते हैं या प्रीसेट के अंदर आप आ जाएं। यहाँ पे आपको डिफरेंट कलर्स मिल रहे हैं जिससे आप अपनी वीडियो को और अच्छा कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैं इसे कर लेता हूँ, यहाँ आप इसे वार्म को क्लिक कर सकते हैं जो आपको अपनी वीडियो के लिए अच्छा लगे। मैं वार्म फिल्म के ऊपर क्लिक कर देता हूँ, इसे एक दफ़ा प्ले करके आपको दिखाता हूँ। आप देख सकते हैं कि मेरी जो डिफ़ॉल्ट वीडियो और जो अभी मैंने सिनेमा की जो लुक इसे प्रोवाइड की है ये टोटली चेंज हो चुका है। मैं आप जब सिंपली इसके ऊपर ओके कर दूंगा और आपका जो सा इफेक्ट है वो टोटली रेडी हो चुका है। मैं आपको एक दफ़ा वीडियो प्ले करके दिखाता हूँ ताकि आपको थोड़ा सा आइडिया हो सके। इसके अलावा एक साउंड इफेक्ट भी आप इसमें ऐड कर सकते हैं ताकि ये थोड़ा सा और अच्छा लग सके। अगर तो आपको ये प्रोजेक्ट कम्प्लीटली चाहिए तो आप मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, मैं आपको फ्री ऑफ कॉस्ट ये प्रोवाइड कर दूंगा। और अगर आपको किसी चीज़ की नहीं समझ आती तो आप विदाउट एनी हेजिटेशन मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, मेरे पास जब भी फ्री टाइम अवेल होगा मैं ज़रूर आपको इस चीज़ के बारे में बताऊँगा। तो आपने क्या करना है, अपने टाइटल को, आपने जो साउंड है आपने उसे ड्रैग एंड ड्रॉप कर लिया। मैं आपको प्ले करके दिखाता हूँ कि हमारी फाइनल प्रोडक्ट कौन सी बनी है। तो जी हाँ, आपने देखा कितना सिंपल और इजी काम है, कोई इतनी मुश्किल नहीं है, कोई रॉकेट साइंस नहीं है। अगर आपको फिर भी नहीं किसी चीज़ की समझ आती तो आप ज़रूर मुझसे पूछिए। आई होप आपको ये मेरी वीडियो ज़रूर पसंद आई होगी। चले आपको मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में।